अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई, जो कि बहुत ही आसानी से और झटपट तरीक़े से बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले ली थी, ये छोटी वाली फ़िश है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। तो ये मैंने फ़िश ले ली थी और इसकी अच्छे से सफ़ाई करके धोकर और इसमें नमक लगाकर मैंने एक दिन पहले इसको रख दिया था फ्रीज़र में। अब मैंने बाहर निकाल लिया है और इसमें मैं गहरे गहरे थोड़े से कट लगा लूँगी, ताकि इसके अंदर जो हम मसाला फिल करें वो अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल हो जाए। तो ये देखें, इस तरीके से मैं चाकू की हेल्प से ये गहरे गहरे इस तरीके से मैं कट लगा लूँगी। तो इसी तरीके से हम सारी मछलियों को कट लगा के तैयार कर लेते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पर मेरी सारी मछलियाँ तैयार हो गई हैं कट कर। अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिया है, उसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक मैंने थोड़ा कम इसलिए डाला है क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं इसके अंदर नमक। अब मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लाल पिसी मिर्च डाली है और यहाँ डाल रही हूँ मैं अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर इसके अंदर ज़रूर डालें, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है इससे। तो यहाँ करीब मैं 2 बड़े चम्मच के करीब मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर डाल रही हूँ और इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे गरम मसाला पिसा हुआ, जो गरम मसाला होता है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने लहसुन, पिसा हुआ लहसुन डाल दिया है। और ये मैंने नींबू ले लिया है, ये घर का नींबू है मेरा, बेहतरीन फ्रेश नींबू एकदम। तो यहाँ पर मैं बड़ा सारा नींबू है इसलिए मैं यहाँ पर 1/2 नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ दूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने अमचूर पाउडर भी डाला है तो 1/2 नींबू में हमारा काम हो जाएगा। तो नींबू निचोड़ने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका घोल बना लेंगे। तो घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा थिक भी नहीं रखना है हमें। तो इस वजह से हम हल्का हल्का सा पानी डालते जाएंगे इसके अंदर, एकदम बहुत सारा पानी ना डालें, ना तो ये पतला हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स करते जाएँ इसके अंदर, जितनी आपको ज़रूरत लगे उसके हिसाब से पानी मिला के आप इसका एक घोल तैयार कर लें। घोल बस इस तरीके का होना चाहिए कि वो हमारी फ़िश के ऊपर अच्छी तरीके से लपट जाए। तो 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम मेरा पानी यूज़ हुआ है और ये देखें, इस तरीके का मेरा ये घोल बनके तैयार हो गया है। इसको हमने अच्छी तरीके से घोल लिया है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना रहे। और अब हम इसको फिश के ऊपर लपेटना शुरू कर देंगे। तो ये जो हमने कट लगाए हैं इसके अंदर हम इसको अच्छी तरीके से भर देंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से भर सके। नमक इसमें अच्छे तरीके से लगा के रखें, आप एक दिन पहले इसको मछली को खूब अच्छे तरीके से धो के और ढेर सारा इसके अंदर नमक लगा के रखें, ताकि इसके अंदर जो बोटियाँ हैं वो बेहतरीन अच्छी ज़्यादा टेस्टी हो जाएं। तो नमक लगने से इसकी बोटियों में नमकीन बन जाता है, जो कि बाद में आप इसमें कितना ही ज़्यादा नमक लगा लेंगे तो वो इतनी अच्छे तरीके से बस नहीं पाता नमक। तो आप पूरी तरीके से हम इसके अंदर मसाला कोट कर देंगे, पेट के अंदर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं भरेंगे क्योंकि इसमें बेसन भी मिला हुआ है तो इसमें कच्चापन आ जाएगा। तो इसमें ऊपर जितना हो सके उतना मसाला लपेटने की कोशिश करें आप। तो ये देखें, ये सारी मछलियों के ऊपर हमने मसाला लगा दिया। अब इसको करीब हम 1/2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 1/2 घंटा रखने के बाद हम आ गए हैं फिर से किचन में और ये अभी भी हमारा मसाला जो है वो गीला है। तो इसके ऊपर हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्ब, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी क्रंची हमारी फ़िश तैयार होगी। तो ये पहले मैं एक तरफ इसके ऊपर साइड में सारा ब्रेड क्रम्ब डाल दूँगी और उसके बाद हमने यहाँ पर रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। तो फ्राई पैन में हमारा तेल गर्म हो चुका है और यहाँ ब्रेड क्रम्ब डालकर हमने सिर्फ एक साइड लगाना है हमें और इसको हाथ से थोड़ा सा थपथपा देंगे ताकि इसके अंदर ब्रेड अच्छे से चिपक जाए। अब हम एक एक करके फ़िश को उठाएंगे और तेल में इसको जिस तरफ से हमने ब्रेड क्रम्ब लगाया है उस साइड वाली साइड से हम इसको तेल में डाल देंगे। और इस टाइम तेल हमारा गर्म हो चुका है तो हम आँच को स्लो कर देंगे इसकी, ताकि मछली हमारी एकदम से जल ना पाए और मंदी आंच में ये बेहतरीन धीरे धीरे सिक जाए। अब जो उसकी ऊपरी वाली साइड है उसके ऊपर भी हम ब्रेड क्रम्ब इसके ऊपर लगा देंगे और इस स्पैचुला से इसको थोड़ा थोड़ा सा हम थपथपा देंगे ताकि इसके ऊपर अच्छे तरीके से ये ब्रेड क्रम्ब चिपक जाए। अब हम इसको बिल्कुल स्लो आंच कर देंगे और धीरे धीरे इसको स्लो आँच पर सिकने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से क्रंच हो जाए। एक तरफ से ये सिकने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड पर हम इसको सेक लेंगे। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखना है ताकि मछली हमारी अच्छे से अंदर तक पक जाए। अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ इसका फ्लेम रखेंगे तो ये एकदम से लाल हो जाएगी, जल जाएगी और अंदर से ये कच्ची रह जाएगी।
तो इसको बहुत ही आहिस्ता से हम इसको पलट देंगे और दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन फ्राई होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। तो हमारे फ़िश को फ्राई करने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाएंगे हमें, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल स्लो आंच पर फ्राई करना है। तो दोनों तरफ से हम पलट पलट के इसको 10 से 15 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और ये देखें, ये हमारी फ़िश बनकर एकदम तैयार है। तो दोनों तरफ से ये अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। तो बहुत ही झटपट तरीके से और बहुत ही आसानी से ये हमारी एकदम क्रंची वाली फ़िश बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हम सर्व कर लेते हैं इसको। तो ये देखें, बेहतरीन गोल्डन फ्राई दोनों तरफ से हो चुकी है और ये बेहद क्रंची रहती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहती है। तो इस तरीके से आप भी एक बार इस फिश को ज़रूर फ्राई करें, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी और आपको खाने वाले आपकी तारीफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो इसके साथ रख देंगे हम एक छोटा सा नींबू काट कर। वैसे इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नींबू और अमचूर पहले ही लगा रखा है। तो इसके अंदर जिसको ज़रूरत हो वो ऊपर से डालकर इसको खा सकता है। बाकी ये हमारी फ़िश एकदम देखिए तैयार हो गई, अंदर से एकदम जूसी और ऊपर से क्रंची। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।